आइए अब आपको लिए चलता हूँ इंडियन हिस्ट्री की एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट जगह, आपको सच में प्राउड फील होगा। एक्चुअल में ये एक पिलर है कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही। ये 375 से लेके 415 ईस्वी के बीच में इस पिलर को बनाया गया था और ये पूरी तरह से रस्ट प्रूफ है। ये 24 फीट इसकी हाइट है और 3 फीट ये ज़मीन में नीचे गड़ा हुआ है। ये है इसकी हिस्ट्री। ये है कि इसके ऊपर नेशनल मेटलॉजिकल लेबोरेटरी ने और टाटा स्टील ने इसका गहरा अध्ययन किया है। उन्होंने ये पाया कि पूरी दुनिया में 1851 से पहले ऐसा कोई स्टील था ही नहीं जिसमें जंग ना लगता हो। ये सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया का सिर्फ एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिसमें जंग नहीं लगता है और लगभग 1600 साल पुराना है। इंडियन हिस्ट्री के लिए सच बात तो ये है कि ये बड़े प्राउड की बात है। इसको कैसे बनाया गया होगा, इतनी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो कह रही हैं कि ये 1851 से पहले कहीं था ही नहीं लेकिन इंडिया में था, ये हमारे लिए सच में प्राउड की बात है। इस पिलर को 375 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य 2 ने बनाया था। ये 6000 किलो का स्तंभ है और जैसे मैंने आपको बताया कि ये इस रस्ट प्रूफ है कम्प्लीटली। आप सोचिएगा लगभग 1600 साल पहले ये चीज़ बनी थी और आज ठीक वैसे की वैसी है जैसे 1600 साल पहले थी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि इसमें जो एंशंट लैंग्वेजेस थी भारत की वो इस पे उसमें लिखा हुआ है। मैं अभी आपको पास जाके दिखाता हूँ। टॉम ऑफ इल्तुतमिश, दिल्ली के पहले सुल्तान के दामाद, जिन्होंने कुतुब मीनार की 3 मंजिलें बनाई थी, उनकी कब्र है आगे। आइए देख लेते हैं वो भी। दिल्ली का इतिहास बड़ा ज़बरदस्त रहा है। ये जो सुल्तान थे कितने सारे आए यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पता चला है कि यहाँ पीछे अलाउद्दीन खिलजी की का भी मकबरा है। हाँ, कहाँ से पहुँच गया भाई वो यहाँ पे? वो तो बड़ा ख़तरनाक आदमी था। हाँ चलिए देखते हैं। ये है इल्तुतमिश का टॉम। इस मकबरे का निर्माण शमशुद्दीन ने स्वयं करवाया था 1235 में। इसमें एक्चुअल में जो सेंटर में पूरा एकदम ओपन है, ये ओपन नहीं था। इसकी जो आर्च थी वो टूट गई थी लेकिन उसके बाद सिकंदर लोदी ने उसको दोबारा से उसको बनाया था लेकिन वो ज़्यादा समय वो भी नहीं टिक पाई और टूट गई। ये है शमशुद्दीन की मज़ार। ये भी पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है। आपने अगर ध्यान दिया होगा कि
ये जो पिलर्स हैं कितनी बारीकी से इनको बनाया गया है, और ऑब्वियसली क्योंकि उस टाइम पे मशीनरीज नहीं थी, हाथ से काटा होगा। आप सोचिएगा कि एक पिलर बन रहा है, पूरी मेहनत हो गई, लेकिन अगर एक जगह गलती से हथौड़ा ज़्यादा चल गया तो ये पूरा का पूरा पत्थर ख़राब होता होगा। कितनी मेहनत लगती थी उस टाइम पे। और ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे पूरा इसमें जो डिज़ाइन है ये पूरा वैसे ही बनाया हुआ। इल्तुतमिश का मकबरा, एक चीज नजर आई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे सामने एक कंस्ट्रक्शन है वहां पे। एक्चुअल में इसकी हिस्ट्री ये है कि ये है अलाई मीनार, 24.5 मीटर की है। एक्चुअल में इसको शुरू किया था 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने। वो चाहता था कि कुतुब मीनार के डबल की ठीक वैसी ही एक वो मीनार बनाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो बेचारा एक ही मंजिल इसकी बना पाया और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। ग्रेवयार्ड, कुतुब कॉम्प्लेक्स, ये ग्रेवयार्ड है यहाँ पे। यहाँ कब्रें दिख रही हैं, कितना प्यारा बनाया हुआ छोटा सा। यहाँ पे एक कुआं है, पानी का पूरा इंतजाम होता था उस समय भी। काफ़ी गहरा कुआं है, इसको कवर करके रखा गया है सेफ्टी के लिए, और काफ़ी बड़ा है। यहाँ से कुतुब मीनार, ये पूरा का पूरा कुतुब कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे बहुत सारी मीनारें हैं, बहुत सारे मकबरे हैं, मस्जिद भी है, ग्रेवयार्ड है। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं ग्रेव्स। और अब हम जा रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे ये रिमेन्स हैं, ये पूरा सेम जैसे हम पहले देखते थे कि पूरा पत्थरों पे हाथ से नक्काशी की गई है, बहुत ज़बरदस्त। और बहुत बारीक बारीक बारीक, बहुत छोटी छोटी, जैसे आप इसमें देखेंगे फ्लावर्स बने हुए हैं। आप सोचिएगा ये पूरा एक पिलर है, अगर इसमें कहीं पे मान लीजिएगा गलती हो गई, पूरा पिलर बन गया लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई तो पूरा शायद पिलर को रिजेक्ट कर दिया जाता होगा। Thank you.
पूरा पत्थर का कंस्ट्रक्शन है पूरा। आप देखेंगे दो फ्लोर हैं यहाँ पे, एक ऊपर है एक नीचे है, और पूरा पत्थर के पिलर्स पे बना हुआ है। उस टाइम के जो कारीगर थे कितने जबरदस्त रहे होंगे ना। दिल्ली का इतिहास सच में वाओ, भारत का इतिहास बहुत ज़बरदस्त रहा है। आप सोचिएगा कि इतने समय बाद ये इतना सुंदर लग रहा है, जब ये वो समय रहा होगा कितना अच्छा रहा होगा ना। एकदम नई कंस्ट्रक्शन, हर चीज़ नई, बहुत ज़बरदस्त। ट्रांसपोर्ट किया होगा, कोई मशीन्स नहीं थी। जबरदस्त, सच में जबरदस्त। अब फिलहाल मैं इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलता हूं। अब हम जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी के मदरसे पे। ये है अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा, और वहाँ पे ग्रेव है। पत्थरों में जो जॉइंट्स दिए हुए हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। आप सोचिए उस समय ना कंक्रीट था ना स्टील था, इतनी ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन है कि बिल्कुल ठीक वैसे के वैसे हैं जैसे उस टाइम पे रहे होंगे। कंस्ट्रक्शन में पत्थर के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, हर चीज पत्थर की और बड़ी जबरदस्त तरीके से काट के बनाई गई है। यह है खिलजी का मदरसा। अब चल रहे हैं हम बाहर की तरफ। यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए।
मेरे लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे अभी भी रिमेन्स हैं, अगर उनको रेनोवेट किया जाए तो कितनी सारी जगहें, कितनी खूबसूरत हिस्ट्री मिलेगी ना। लोग आएंगे, देखेंगे अपनी हिस्ट्री को। वाह, वो देखिए, गजब। का हमारा ये ट्रिप ख़त्म। बहुत बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। इतिहास के बारे में जान के बहुत मज़ा आया। हमें जानना चाहिए अपने इतिहास के बारे में, अपने अतीत के बारे में। मज़ा आता, भारत कैसा था, कैसा रहा होगा उस टाइम पे। हालांकि हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए। ये यहाँ पे पब्लिकेशन काउंटर है, यहाँ पे बुक्स वगैरह वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये एक्चुअल में अब एग्जिट गेट है,